एक्शन। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फनी सुपर हीरो पार्ट 3। पिछले दोनों पार्ट में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि तीसरा पार्ट बनाने का आइडिया मेरे को वहीं से आया है। तो बिना देरी करे जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं हमारे फनी पिछड़े हुए सुपर हीरो। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे सुपर हीरो देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सुपर हीरो हैं जिनके पास नहीं है कोई पावर, फिर भी काम ऐसे करते हैं कि हिल जाता है दिमाग का टावर। तो इनसे मिलो, ये हैं सुपर कॉप्स जिन्होंने अभी अभी फिजिक्स की अम्मा और लॉजिक की छम्मा छम्मा कर डाली। समझना तो दूर, विश्वास करना भी मुश्किल है कि इन्होंने दो टायर से छलांग लगाई है इतनी ऊपर जैसे आसमान में उड़ता हुआ कबूतर। वैसे ये सुपर कॉप्स हैं तो पुलिस वाले, लेकिन ये चोर उचक्कों को पकड़ने वाला छोटा मोटा काम नहीं करते। अबे इस तक किसी भी तरह पहुंचना होगा, किसी भी तरह। लेकिन पहुंचेगी कैसे? हाँ वही तो, वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? वो ड्रैगन कम से कम 100-200 फीट ऊपर है और ना ही तुम्हें उड़ना आता है और ना ही तुम पापा की परी हो। और सबसे बड़ी बात, वो ड्रैगन है माधुरी दीक्षित नहीं, जो तुम्हें सवरिया समझ के अपनी अटरिया पे बुलाएगी। अरे मेरे पक्षियों के साजन, ये कौन सा विज्ञान लगा के आसमान की ऊंचाइयां नापने निकले हो? वैसे ये सीन देख के कुछ याद आ गया। तो भैया तुलना कर लेते हैं, ये है मेंटोस जिंदगी और ये है साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन फिर भी इनको एक मशवरा देना चाहूंगा भैया, जिस तरीके से तुमने कामयाबी की उड़ान भरी है उसकी लैंडिंग सीधा होगी यमलो और फिर सारे बोलेंगे मर गया मादर। और तो और, जब हमारे सुपर कॉप्स सुपर विलन से फाइट करते हैं, वो फाइट तो देखने लायक होती है। आप खुद देखो, एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो वो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा। ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? इसने बर्गर फेंक के मारा है कुछ भी। अरे मेरे फूले हुए आइंस्टाइन, तेरे पास कोई हथियार वथियार नहीं था क्या? चलो मान लेते कुछ भी नहीं था तो कम से कम पाद मार देता, उसके नाक के बाल तो जलते, ये बर्गर फेंक के कौन मारता है? बात तो सही है। लेकिन उससे पहले भाई लोग, आज मैं आप सबके लिए बहुत मस्त ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ ऐप है जिसपे आप रमी खेलकर पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल एक सेफ और सिक्योर ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर है। तो अगर आप लोगों को रमी खेलना आता है तो आप यहाँ पे खेलकर पैसे जीतिए, और अगर नहीं आता तो इसमें प्रैक्टिस गेम भी है जिसे खेलकर आप आसानी से सीख भी सकते हो और फिर कैश गेम खेलकर पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 2000 तक का वेलकम बोनस मिल सकता है। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में बहुत स्मूथली वर्क करता है। आप खुद इस फोन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। सो भाई लोग, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाएं। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Action! वैसे अगर हथियार की बात चली गई है तो मैं इनके कुछ ऐसे हथियार दिखाता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग हो जाएगा बंद और हथियार तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे नीचे वाला ल। आप खुद ही देख लो। कुछ समय के बाद ये न्यूरॉन बॉम्ब पृथ्वी पर फटेगा और लोगों के होश उड़ा देगी। भाई भाई भाई, ये कोई न्यूरॉन बम नहीं है, ये तो नीचे वाला एटम बम है जिसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें अंदाजा जरूर दे सकता हूँ। म्यूजिक, ये तो दिल तो है, ये तो दिल तो है। तो भैया समझ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे तो वेट करो, ये अभी पक्के नहीं तुम्हारे खजूर। ये पार्सल डीके जी का है, उनको ही दूंगा मैं। डीके साहब बाहर गए, आप पार्सल यहीं छोड़ के जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये पार्सल तो मैं डीके जी की कैबिन में रखूंगा। अरे ये मत समझना कि मैं तुम्हें सुपर हीरो दिखाने के बहाने स्विगी या जोमेटो का एड दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पार्सल में ही है हमारा सुपर हीरो।
ओहो, लगता है किसी ने कपड़े ऑर्डर करे थे और कपड़ों के साथ इंसान भी आ गया। सच में मैं बड़ा खुश हुआ था क्योंकि मैंने तुरंत ही 800 रुपए में दीपिका, 1000 रुपए में कैटरीना और 2400 में मलाइका को ऑर्डर कर दिया। अब छोड़ो छोड़ो। देखो भाई, ये तो सबको ही पता है कि सुपर हीरो का काम है दुनिया बचाना और दुनिया के लोगों को, लेकिन कुछ लोग इतने डीट होते हैं वो चाहे तो खुद भी बच सकते हैं लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। अरे आंटी जी, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? गाड़ी इतना दूर है, एक छलांग मारो, साइड में हो जाओ। लेकिन नहीं, आंटी जी ने तो कसम खाई है, सुपर हीरो आएगी वही बचाएगी, वरना रात का खाना मैं यमराज के साथ खाएगी। तो चलो सुपर हीरो का भी काम सुपर हीरो को ही करने देते हैं। ये सुपर हीरो लोगों का बिल्कुल समझ में नहीं आता, दूर दूर तक सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दीदी पता नहीं कहाँ से आई और आंटी को बचा लिया। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे दीदी कौन है, चिंता मत करो, दीदी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। छोड़ देनी झुमका, छोड़ देनी बाली, चुर्म देख के खोपड़ी सटक जाले साली, नाम है हमार हंटर वाली। ये कैसा नाम है, हंटर वाली? खैर कुछ भी हो, इनसे मिलो, ये है हमारी भोजपुरी की सुपर हीरो हंटर वाली, जिनकी सुपर पावर है उनका हंटर। रुको जरा, छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। अरे वाह दीदी, आपके इस एक्शन पे दो लाइनें बोलना चाहूंगा, ना दिखाया कोई जादू ना कोई मंत्र, गोल गोल घूम के ऐसा चलाया हंटर कि 50 रुपए की एक्टिंग करने वाले बिखर गए सारे पंटर। मां कसम, एक्शन इतना घटिया था जैसे सॉन्ग ऑफ टोनी कक्कर। अभी तक तो हमने ऐसे सुपर हीरो देखे जिनके पास सुपर पावर नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसे सुपर हीरो देखेंगे जिनके पास सुपर पावर है। अरे मेरे भाई, थाम, ये हाथों से कामे हामे हाथों ठीक है, लेकिन इस काले जादू के दौरान हवाओं में जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो जनता माफ नहीं करेगी। वैसे भाई लोग, अभी तक तुम लोगों ने सुपर हीरो वाले इंसान या जानवर ही देखे होंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा सुपर हीरो वाली गाड़ियां। अरे टार्जन द वंडर कार नहीं रे, वो तो नमूना थी। कितनी भी सेफेस्ट कार हो उसको 5-star रेटिंग मिलती है, और इस गाड़ी के ऐसे कारनामे देखते हुए इसे कितने स्टार मिलने चाहिए। इसके लिए मैंने जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि ऐसी गाड़ी बनी नहीं सकती। वैसे टेक्नोलॉजी से खिलवाड़ करना हमारे सुपर हीरोज का अधिकार है, अधिकार छोड़ो विरासत में मिला हुआ उपहार है। ओके, तो अभी हमारे हीरो ने सस्ता सा हैक लगा के एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। कसम से अगर इन लोगों की आईडी पता होती रिपोर्ट करके बैन करवा देता। गाड़ी और ट्रक दोनों 10 की स्पीड पे भी नहीं है और ब्रेक के साउंड इफेक्ट तो देखो। लेकिन मैंने कहा था ना, ये चीजें इन्हें विरासत में मिली है, इसके पास तो फिर भी सुपर पावर है। पहले के जमाने में बिना सुपर पावर के हैक लगा लेते थे। अरे राजमाता शिवगामनी देवी, सामने से गोलियां चल रही हैं और तुमको ऑर्गेजम मिल रहा है। अगर गोली थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो महिष्मती साम्राज्य का क्या होगा? ठाकुर जी, अब मेरे माथे की बिंदिया भी उड़ा कर दिखाओ। ओ भाई, मेरा तो हो गया, मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, और भाई इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।